की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मनपा की ओर से गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की शुभकामनाएं दी। 2 अक्टूबर का दिन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है। इसी के तहत मनपा की ओर से गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने बताया कि मनपा ने आरटीएमएनए के साथ मिलकर शहर की सभी प्रतिमाओं का रखरखाव करने का निर्णय लिया है, जिसका शुभारंभ आज से ही होने जा रहा है, ऐसी उन्होंने जानकारी दी। इस दरमियान उन्होंने आगे बताया कि नैक कमेटी की ओर से इसकी सराहना भी की गई। वही जो विद्यार्थी इस उपक्रम में शामिल होंगे उन्हें फायर फाइटिंग का प्रशिक्षण भी मनपा की ओर से दिया जाएगा। देश के आजादी का अमृत महोत्सव है, 75वीं जयंती है और उसी बीच में आज गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती है। इस निमित्त नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। साथ ही साथ में नागपुर महानगर पालिका ने नागपुर विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के एक एमओयू किया है, जिसमें नागपुर विश्वविद्यालय के एनएसएस के जो छात्र है वे नागपुर शहर के सारे पुतलों के साफ सफाई करने का निर्णय लेंगे। आज उस काम की शुरुआत भी हम लोग संविधान चौक से अभी 9:30 बजे करने जा रहे हैं। नागपुर शहर के 84 पुतले महानगर पालिका के साथ में मिलकर के यूनिवर्सिटी के 84 कॉलेज की देखभाल करेंगे और ये वर्ष भर देखभाल करेंगे। इसकी साफ सफाई, इसकी धुलाई, इसका रख रखाव, इसकी बिजली, सारी व्यवस्था एनएसएस के माध्यम से की जाएगी। मुझे कहते हुए गर्व महसूस होता है कि जिस दिन मैंने यह चर्चा माननीय वाइस चांसलर महोदय से की थी, उस दिन मैंने कहा था कि आपका यह प्रोजेक्ट ऐसा क्लिक करेगा कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने नागपुर की जनता को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की शुभकामनाएं दी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।